Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates, and companies placement papers. So, guys, today I came back with new opportunity for you from Deloitte Consulting India Private Limited Company. Currently hiring for the role of internal intern analyst. इन बेंगलुरू लोकेशन हैदराबाद लोकेशन सिकंदराबाद मुंबई और गुड़गांव लोकेशन एंड योर सिटी सी विल भी थ्री पॉइंट सेवन फाइव एल पी ए तो लेट्स डिस्कस दॉब डिस्क्रिप्शन एज ए इंटर्न एनालिस्ट एट डिलोइ आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप स्ट्रॉग टेगनल्स इन दिस्टम टेक्नोलॉजी एरिया यू आर वर्किंग इन एज ए पार्ट ऑफ द ओन बोर्डिंग प्रोसेस ओन प्रोजेक्ट्स यू आर प्रोवाइडेड विथ trainings awareness aimed at building proficiency in the role it involves developing, development of technical and behavioral skills as per defined proficiency levels you have to understand the firm specific tools and methodologies which focuses on capability on building communication excellence as per deloitte standards मोस्टली प्रोफेशनल इन यूएस इंडिया कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस ऑफर बोथ एडवाइजरी एंड इम्प्लीमेंटेशन सर्विस दैट प्रोवाइड्स क्लाइंट विथ कॉम्प्रीहसिव सोल्यूशन टू हेल्प दम बेटर मैनेजेस द क्रिटिकल बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी अब डिजाइड योर जॉब रोल में क्या रहेगा डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिकल कैपेबिलिटी इन टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फॉर्म यू हैव टू बिल्ड टेस्ट एंड डिलीवर सोल्यूशन टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट एप्लीकेशन डिजाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कोड डेवलपमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग ऑल्सो विल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डेटा क्रिएशन एंड टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज अब डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल कैचिंग कंपनी को इस जॉब के लिए जनरल एक्सपेक्टेशन है कंपनी के एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिटर्न वर्बल एंड प्रेजेंटेशन तो आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिएिटी टू चार्टन ऑनर्स करियर एंड बिल्ड नेटवर्क विथ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू एबिलिटी वर्क विद बहुत इंडिपेंडेंटली एंड एज ए पार्ट ऑफ टीम विथ वर्किंग प्रोफेशनल विथ एट ऑल लेवल्स तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके या टीम के साथ काम कर सके वर्किंग प्रोफेशनल के साथ एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क वर्क ऑन मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड रेस कंसर्न क्वेश्चन वेर अप्रोप्रिएट आप में एबिलिटी होनी चाहिए प्रायोरिटी टास्क में आप कंप्लीट कर सकें टास्क को कंप्लीट कर सकें मल्टीपल असाइनमेंट्स अगर आपको दिए जाते तो आप टाइम पर कंप्लीट कर सके क्वेश्चन कर सके अपने सीनियर मैनेजर से सजेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड पार्टनर विद द क्लाइंट टू इंप्लीमेंट दोल्यूशन आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन अपने पार्टनर को सजेस्ट करना पड़ेगा कि क्लाइंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है सोलूशन के लिए मैनेज प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली आपको प्रोजेक्ट मॉड्यूल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा परफॉर्म अकाउंट कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट्स टू बिल्ड इम्प्रूव रिलेशनशिप्स सीक फीडबैक टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई दी बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन इन दी इंगेजमेंट्स अब स्किल्स क्या क्या चाहिए जॉब के लेवल की बताता हूँ बी डेड लाइन बी डेड लाइन ओरिएंटेड एंड क्वालिटी फोकस्ड आप डेड लाइन ओरिएंटेड होनी चाहिए और क्वालिटी फोकसड होनी चाहिए और आप में स्ट्रॉग वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए लाइक इफेक्टिव इंटरप्रेशनल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट चाहिए आप में गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए कंपनी के जॉब के लिए गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल का पावर पॉइंट का और गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और गुड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए कंपनी को और एनी टेक्निकल टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज गुड फॉर यू अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए कंपनी को बीई बी टेक सी एस सी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी बैच, नो बैकलॉग एक्सेप्टेड तो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी बैच के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं और बैकलॉग अलाउड नहीं है इस जॉब के लिए और पी जी क्वालिफिकेशन क्या है एम ई एम टेक सी एस और सी एस सी और आई टी ब्रांच से किया होना चाहिए और एम सी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी नो बैकलॉग तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ट्वेंटी ट्वेंटी में होना चाहिए और आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए अब कंपनी प्रोफाइल बताता हूँ डिलोइट क्या काम करती है डिलोइट रिफर्स टू वन और मोर ऑफ डिलोय चर्च तो मास्ू लिमिटेड यूके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय गारी डीटीएल इट्स नेटवर्क ऑफ मेंबर फर्म्स एंड दे रिलेटेड एंटिटीज डीटीटीएल एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर फर्म्स आर लीगली सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज डिलोयट रिफर्स टू वन और मोर ऑफ अस यूएस मेंबर फर्म्स ऑफ डीटीटीएल टी दे रिलेटेड एंटिटीज स एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा तो आप इधर अप्लाई ना ऊपर बटन पर क्लिक कर देना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा वेट फॉर गाइज तो आपको एप जैसे ही आप अप्लाई पर बटन क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा दिखाई देगा पहले आपको साइन इन करना है और आईडी पासवर्ड से फिर आपको अपना अपने आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको फिल कर देना है फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देना सो वाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आई विल प्रोवाइड द जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो बाय बाय सी यू सून